हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। हाँ जी, तो भैया जी क्या हाल चाल है सबके। भैया आज मैं फिर से आ गया हूँ 10 नए गेम्स लेके, यानी नए नहीं, पोकेमोन्स के गेम लेके। यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टॉप 10 पोकेमोन गेम्स के बारे में, जो कि आप लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस पे खेल सकते हो। हाँ जी, आप लोग मज़े कर सकते हो गेम खेल के। बहुत सारे इसमें से गेम ऐसे हैं जो कि हाल फिलहाल में रिलीज़ हुए हैं और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इन गेम को इंक्लूड नहीं किया, तो आप लोगों ने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी पोकेमोन वाली तो जाके देखो यार, बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसमें भी काफ़ी सारे गेम हैं जो कि इस लिस्ट में नहीं है, तो जल्दी से जाके पहले वो भी देख लो और फिर ये भी देख लो। नहीं बल्कि रुको, पहले ये देखो फिर वो जाके देखना, और वीडियो को लाइक तो जल्दी से कर देना क्योंकि वीडियो अच्छा लगने वाला है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई साहब क्योंकि वीडियो अच्छा लगने वाला है। तो जल्दी से आप सीट बेल्ट कस दो क्योंकि शुरू करने वाले हम आज का वीडियो। नंबर फर्स्ट पे निकल गया था हमारे पास पोकेमोन एडवेंचर लैंड। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे भाई साहब 3D स्टाइल वाले ग्राफिक्स। हाँ जी, यहाँ पे आप लोगों को भाई साहब अपने पोकेमोन्स को लड़वाना है, और आप लोगों को मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि ये कोई ऑफिशियल गेम नहीं होने वाला, ये एक फैन मेड गेम है जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे, और भाई मैं कहता हूँ कि एक सिंगल डिवेलपर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे ऑसम फीचर है इस गेम में, और बहुत ज़्यादा कमाल का एनवायरनमेंट है गेम में। गेम का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 1.27 GB का राउंड अबाउट गेम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लेकिन तगड़ा गेम है, डाउनलोड एक दफ़ा किया ही जा सकता है। अब भैया मून स्क्वाड नाम का ये गेम आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा जब आप लोग भाई खेलोगे मल्टीप्लेयर में अपने दोस्तों के साथ। हाँ जी, यहाँ पे आप लोग PvP बैटल करने वाले हो, और भाई साहब देखने वाले हो किसके पोकेमोन में कितना दम है, यानी कि किसका पोकेमोन ज़्यादा ताकतवर है, और आप लोग अपग्रेड भी कर सकते हो अपने पोकेमोन को, और भाई साहब मैचेस और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। गेम का साइज़ है 488 MB, और ऑनलाइन तो रहेगा यार गेम। अब भैया अवेकन मॉन्स्टर बैटल एडवेंचर नाम का ये गेम आप लोगों को भाई साहब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे ढेर सारे पोकेमोन। गेम के ग्राफिक्स डिसेंट क्वालिटी के हैं, यानी कि आप लोग ये नहीं कह सकते भाई साहब खराब क्वालिटी के हैं, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोग कह सकते हो एनवायरमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत सारे पोकेमोन आप लोगों को यहाँ पे पिकाचू वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि आप लोगों की गेम को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा मज़े का बना देते हैं, आप लोगों को गेम खेलने में मज़ा आता है। गेम का साइज यहाँ पे है 357 MB, और भाई मज़े का गेम है, डाउनलोड करोगे तो मज़ा ही आएगा। अब भैया मॉन्स्टर ऑफ ग्लोरी नाम का ये गेम आप लोगों को याद तो होगा। हाँ जी भाई साहब, ये एक काफ़ी ज़्यादा पुराना गेम आप लोग कह सकते हो है, लेकिन भाई यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि इनहैंस ग्राफिक्स के साथ ये गेम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यानी कि 900 MB का ये गेम आप लोगों को 3D ग्राफिक्स के साथ मिल रहा है, और भाई साहब यहाँ पे भी आप लोग PvP बैटल करोगे, यानी कि अपने पोकेमोन्स को लड़वाओगे दूसरों के पोकेमोन्स के साथ, और देखोगे भाई साहब किसका पोकेमोन कितना ज़्यादा दमदार है, यानी कि आप लोग कह सकते हो आ देखे जरा किसमें कितना है दम। तो भैया 900 MB का ये गेम आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगेगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ जी, अब भैया कभी आप लोगों ने सोचा अगर माइनक्राफ्ट में आप लोग पोकेमोन डाल दो तो वो कैसा लगेगा? तो इस गेम जैसा लगेगा, यानी कि यहाँ पे गेम का नाम है ट्रेनर्स ऑफ मॉन्स्टर, और गेम में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं भाई साहब माइनक्राफ्ट वाले ग्राफिक्स। हाँ जी, सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों को माइनक्राफ्ट टाइप के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। आप लोगों को भाई मॉन्स्टर्स पालने हैं, यानी कि आप लोगों को पोकेमोन्स पालने हैं, और भाई साहब फिर उन पोकेमोन्स को लड़वाना भी है दूसरे मॉन्स्टर्स और एलियंस के साथ, और भैया गेम में सर्वाइव करना है और आगे बढ़ना है। गेम का साइज यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ 35 MB, और गेम ऑनलाइन है। अब भैया नंबर 6 पे हमारे पास निकल के आता है पोकेमोन की एक ऑफिशियल, यानी कि एक ऑफिशियल रिलीज है पोकेमोन की फ्रेंचाइज की तरफ से, जो कि है पोकेमोन यूनाइट। अब भैया इस गेम के बारे में हो सकता है आप लोगों को पहले से ही पता हो, क्योंकि भाई साहब इतना ज़्यादा फेमस और पॉपुलर गेम है, और इतनी ज़्यादा मिलियंस में डाउनलोड्स पहले ही ले चुका है, और काफ़ी सारे लोगों को भी अच्छा लगा था क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक सा है। जैसा कि आप लोग कह सकते हो कि किसी बैटल ग्राउंड गेम्स में होता है, जैसे पबजी में होता नहीं है भाई साहब वो PvP मैच, बिल्कुल यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक साइड आप लोगों की होगी, एक एनिमी की होगी, और भाई साहब आप लोगों ने अपने पॉइंट्स बचाने हैं, और दुश्मनों के पॉइंट्स पे भी आप लोगों ने जाके कब्जा वब्जा करना है। गेम का साइज यहाँ पे है थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1.8 GB के राउंड अबाउट गेम आप लोगों को देखने को मिलेगा, और गेम ऑनलाइन होगा। तो भैया बढ़ा जाए आगे और बात कीजिए अपने लिस्ट के 7th गेम की, तो वो निकल के आता है हमारे पास पोकेमोन लेजेंड्स।
अब भैया ये गेम पहले ही मैं आप लोग को बता दूं कि निंटेंडो स्विच और पीसी पर रिलीज हो चुका है, तो आप लोग सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला गेम होगा। यानी कि यहाँ पे अच्छे ग्राफिक्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, साथ स्टोरी वोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और भाई साहब डिसेंट क्वालिटी के आप लोगों को यहाँ पे गेम प्ले देखने को मिलेगा, और भाई बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ जाएगा गेम में। यानी गेम का साइज है यहाँ पे 1.1 GB और गेम ऑनलाइन होगा। अब भैया बढ़ा जाए आगे और लिस्ट में नंबर 8 गेम की बात की जाए तो वो निकल के आता है हमारे पास पोकी लैंड। हाँ जी भैया जी, गेम का नाम ही है पोकी लैंड। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा पोकेमोन वाला यूनिवर्स, यानी कि ढेर सारे पोकेमोन के करेक्टर, हज़ारों सारे मिशन और ढेर सारा एडवेंचर। यहाँ पे आप लोगों को भाई साहब अपने पोकेमोन्स को लड़वाना है दूसरे पोकेमोन्स के साथ, जो कि भाई साहब सारी गेम्स में ही हो रहा है ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पे आप लोग कह सकते हो एक छोटा सा ओपन वर्ल्ड भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग अपने करेक्टर वैरेक्टर को भगा घू सकते हो, और भाई साहब इसी के साथ आप लोग अपने करेक्टर को और अपने पोकेमोन को दोनों को इन्हेंस कर सकते हो, उनकी एबिलिटीज अपग्रेड कर सकते हो और मजे कर सकते हो गेम में। गेम का साइज है 1.1 GB और गेम तगड़ा है यार, मजे का सॉलिड वाला मजे का है। अब भैया सेकंड लास्ट पे बात की जाए यानी कि 9th नंबर के गेम की बात की जाए तो वो है मॉन्स्टर एक्सप्लोर। हाँ जी, यहाँ पे ये भी निकल के आता है भाई साहब हमारे पास एक ऑनलाइन में 870 MB के अंदर अंदर इतना ज़्यादा शानदार और खमाल का गेम। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को भाई साहब वही पुराना कॉन्सेप्ट, सारे के सारे अपने पोकेमोन तो देखने को मिल जाएंगे, आप लोग कह सकते हो प्लेटफॉर्म स्टाइल का गेम प्ले आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन भाई साहब आप लोगों को गेम प्ले में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा अच्छा और स्मूथ गेम प्ले चलता है, और आप लोगों को कोई उस चीज़ में मसला नहीं होगा कि आप लोग को कि भाई साहब कंट्रोल नहीं चल रहे और मज़ा नहीं आ रहा। यूज़र फ्रेंडली कंट्रोल है और काफ़ी मज़े का गेम है। तो आखिरकार हम निकल के आ गए दोस्तों अपने अलविदाई पल पे, यानी कि हम लोग निकल के आ गए भाई साहब अब नंबर 10th के गेम पे, और नंबर 10th पे भाई साहब हमारे पास पोकेमोन अलोहा पीका पीका। भाई काफ़ी ज़्यादा मजे का और क्यूट सा गेम है, गेम का नाम भी भाई साहब क्यूट सा है तो गेम भी क्यूट सा ही होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भाई साहब आप लोगों को एक ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप लोग फ्री रोम भी कर रहे हो, और भाई इसी के साथ में आप लोग अपने पोकेमोन्स की बैटल्स भी करा रहे हो और ढेर सारे पोकेमोन जो हैं उनको पकड़ भी रहे हो। अब भाई ये गेम जो है ये हाल फिलहाल में रिलीज़ हुआ है, और भाई साहब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, यानी कि अभी 1-2 हफ्ते पहले ये गेम रिलीज़ हुआ है, और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा तगड़ा गेम है। लेकिन भाई साहब थोड़ा अंडररेटेड सा गेम रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन भाई साहब आप डेफिनेटली इस गेम को डाउनलोड करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी मज़ा आया भाई मुझे तो ये गेम खेल के। गेम का साइज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि 784 MB का गेम है, और गेम ऑनलाइन है, और भाई मज़े का गेम है, आप लोग देख ही सकते हो, भाई मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो भैया बस ये थे वो सारे के सारे गेम जो कि आज की स्टूडियो में मैंने आप लोगों को बताने थे। होप तो ये कि सारे के सारे गेम्स आप लोगों को पसंद आ गए होंगे। आगे है ना भाई, तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और चैनल पे मार दो ठा 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 सब्सक्राइब। हाँ जी, और घंटी के आइकन को तो पेल ही देना, यानी कि दबा देना, और आल पे सेलेक्ट कर देना नोटिफिकेशन, ताकि सारे नोटिफिकेशन तो नहीं पर कुछ कुछ नोटिफिकेशन तो यूट्यूब आप लोग को भेज ही दे। तो बस मैं हूँ आप लोगों का दोस्त होस्ट भाई रबील, दोस्त चैनल यानी रबील गेमिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक को प्राइवेट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके वहाँ पे भी सब्सक्राइब मार दो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो @rabeelism पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लो। तो बस नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रखो अपना ख्याल, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय यानी गुड। I'm